हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल, जिसके अंदर जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमने किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। सेकंड लेक्चर में हमने सारी जर्नल एंट्रीज की थी, वैसे सारी जर्नल एंट्रीज आई मीन टू से बेसिक जर्नल एंट्रीज जो प्लस वन की हैं, अदरवाइज देर आर एन नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज। जब तक आप अकाउंट्स करेंगे जर्नल एंट्रीज खत्म नहीं होंगी, प्लस वन, प्लस टू, बी कॉम वन टू थ्री, सी ए, सी एम ए, सभी में जर्नल एंट्रीज होती हैं। प्लस वन के अंदर हमने बेसिक जर्नल एंट्री समझ ली है, आपने उसके नोट्स मेंटेन कर लिए, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोज कैसे करते हैं, काफ़ी टेक्निकल पोर्शन है ये। अब पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हम वो शुरू करने जा रहे हैं। आपके पास वर्कशीट है, लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हम पहले वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जीएसटी ना हो, फर्स्ट विल डू द क्वेश्चंस विदाउट जीएसटी। क्वेश्चन नंबर वन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ, पेपर में बिल्कुल ऐसे अटेम्प्ट करना है, नाम गिवन नहीं है किसका है, तो क्रॉस 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 जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट एंड अमाउंट इन रुपीस। डेट्स मेंशन नहीं है, तो नंबर वन पेड वेजेस एंड कमीशन, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर वेजेस पेड। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो द फर्स्ट एंट्री इज वेजेस अकाउंट डेबिट 600, खर्चा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कमीशन अकाउंट डेबिट 900, खर्चा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट 1500, नरेशन बीइंग वेजेस एंड कमीशन पेड। This is a compound entry. ये compound entry है, अगर आप इसको simple entry में record करेंगे तो वो record होगी wages account debit to cash account 600, commission account debit to cash account 900, अलग अलग record होगा। But क्योंकि एक ही दिन है, एक ही transaction है, तो हम इसे compound कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। Compound सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों टाइम क्रेडिट एक ही अकाउंट में हो या दोनों डेबिट एक अकाउंट में हो। इस क्वेश्चन में दोनों एंट्रीज में कैश क्रेडिट हो रहा था, इस क्वेश्चन में, इस एंट्रीज में दोनों में कैश क्रेडिट हो रहा था, इसलिए हमने कंबाइन कर दिया। नंबर टू, गुड्स परचेज फ्रॉम शोभित अमाउंटेड 9000 एंड पेड 1/4 इन कैश। अगर आप गुड्स कैश में खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स आप क्रेडिटर से खरीदते हैं तो एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर का नाम है शोभित। सो व्हाट इज द एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होगी कैश परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शोभित, ये होगी क्रेडिट परचेजेस। सो अगर हम मर्ज कर दें तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू शोभित अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। कितने के गुड्स खरीदे हैं, 9000 के, दिस इज वर्किंग नोट आपको समझाने के लिए। उसमें से 1/4 कैश है और 3/4 क्रेडिट है,
9000 के गुड्स खरीदे, 1/4 कैश में खरीदे, रिमेनिंग क्रेडिट में खरीदे. सो 9000 का 1/4 इज 2250 एंड दिस इज 6750. नाउ सभी ध्यान दें, परचेजेस अकाउंट के सामने जितने के गुड्स खरीदे, परचेजेस अकाउंट डेबिट के सामने जितने के गुड्स खरीदे, कितने के गुड्स खरीदे हैं? 9000 के. कैश के सामने कितना कैश गया? हाउ मच इज कैश गोइंग आउट? 2250. और हाउ मच शोभित, कितने के क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए? 6750. सो 9000 के गुड्स आए, 2250 का कैश गया, 6750 की लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्रेडिटर क्रिएट हो गया. कंटिन्यू. थर्ड, received cash from Sonia 9500, allowed her discount 500. Sonia से cash आया 9500 और उसे discount दिया 500. अगर Sonia पैसे दे रही है तो what is the entry? Cash to Sonia. Cash क्योंकि पैसा आ रहा है, Sonia क्योंकि पैसा दे रही है. Debit what comes in, cash. Credit the गिवर सोनिया. पर उसने 500 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, मेरे लिए डिस्काउंट खर्चा हुआ क्या? इनकम डिस्काउंट अलाउड, मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया 500 का डिस्काउंट, मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. सो द जर्नल एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट allowed account debit to Sonia being cash received and discount allowed. ये चीज का ध्यान रखना है, ड्यू टू डुअलिटी कॉन्सेप्ट डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल आता है. सो कितना कैश रिसीव किया? 9500. कैश के सामने 9500. कितना डिस्काउंट दिया उसे? 500. डिस्काउंट के सामने 500. तो सोनिया से कितने लेने थे? 10000. सोनिया के सामने 10000, मतलब सोनिया से हमने 10000 लेने थे, 9500 ले लिए और 500 हमारा डिस्काउंट हो गया, खर्चा हो गया. नंबर 4, ऑनर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज कैश 800, गुड्स 200. 800 रुपए का कैश वो अपने घर ले गया प्राइवेट यूज के लिए और 200 के गुड्स वो घर पे ले गया प्राइवेट यूज के लिए. अगर ऑफिस का सामान घर जाए, अगर ऑफिस की चीजें घर जाए पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स हो गया, कैश आ रहे कि जा रहे? जा रहे, कैश क्रेडिट हो गया, गुड्स जा रहे हैं, परचेजेस क्रेडिट हो गया. सो द एंट्री वुड बी drawings account debit to cash account to purchases account. कितना drawings? Total drawings है 1000 की, तो drawings के सामने 1000, कैश के सामने कितना कैश जा रहा है? कैश जा रहा है 800, कैश के सामने 800. और कितने गुड्स जा रहे हैं? गुड्स जा रहे हैं 200. सो डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, बी कैश
कैश एंड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. फिफ्थ, बॉट ऑफिस फर्नीचर वर्थ 15,000 एंड टूल्स वर्थ 5,000 फ्रॉम हरी होम लिमिटेड. फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. टूल्स खरीदे, टूल्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन. हरी होम से, हरी होम हमारा बन गया क्रेडिटर, हरी होम हमारी बन गई लायबिलिटी. बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी तो इट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है. सो एंट्री वुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट. अगर हम गुड्स खरीदते तो यहां परचेजेस आता. आई रिपीट, अगर हम गुड्स खरीदते तो यहां परचेजेस आता टू कैश, अगर कैश जा रहा है. बट इस क्वेश्चन में कैश नहीं है, हरी होम है, क्योंकि हमने कैश में नहीं खरीदे, हरी होम से खरीदे. बीइंग फर्नीचर एंड टूल्स परचेज्ड, हाउ मच फर्नीचर वी हैव परचेज्ड? 15,000. टूल्स वी हैव परचेज्ड 5,000. तो हरी होम को हमने अब देने हैं 20,000. दिस इज 5 mark का क्वेश्चन, दिस इज 5 mark का क्वेश्चन. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 5 marks में रहेगा, राइट? लेट्स प्रोसीड विद द न्यू क्वेश्चन, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. पहले मैं आपको विदाउट GST वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 2, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ क्रॉस 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 जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा एग्जाम में, लाइक वी आर डूइंग. फर्स्ट पार्ट, करण स्टार्टेड अ बिजनेस विद द फॉलोइंग, 15,000 कैश, 6,000 फर्नीचर, 15,000 स्टॉक. नया बिजनेस शुरू किया, जब नया बिजनेस शुरू करेंगे व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. पर उसने कैश की जगह फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया, तो व्हाट वुड बी द एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. उसने स्टॉक भी लेके आया, तो व्हाट इज एंट्री? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. परचेजेस नहीं आएगा, परचेजेस तब आता है जब गुड्स खरीदते हैं. हमने गुड्स खरीदे नहीं, वी हैव नॉट परचेज्ड गुड्स, वी हैव ब्रॉट इन गुड्स फ्रॉम हाउस. हमने कोई कपड़ों का बिजनेस शुरू किया या फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया, तो हमने क्या किया? घर से कैश ले आए, घर का फर्नीचर ले आए, और घर से कुछ गुड्स ले आए बेचने के लिए. सो द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट. लेजर फोलियो का कॉलम खाली रहता है क्योंकि इट इज द पेज नंबर. किस पेज नंबर पर कैश होगा? अगर हमें कैश का ध्यान देना हो तो उस पेज नंबर पे होगा, बट वी डू नॉट हैव दैट इन द क्वेश्चन. इन प्रैक्टिकल लाइफ वी डू हैव. हाउ मच इज कैश? 15,000. फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000. स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000. टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस कमेंस्ड.
कितने का बिजनेस शुरू किया? 15 प्लस 6 21 प्लस 6 36,000 का। नंबर टू, पेड रेंट 1500, वेजेस 6600, सैलरीज 2400। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। तीनों को एक ही दिन पे किया तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, फिफ्टीन हंड्रेड इज रेंट, 600 इज वेजेस एंड 2400 इज पोस्टेज। We have paid the salaries, not postage. I was saying the third point. 2400. Two. कुछ mention नहीं होता तो cash में payment होती है. If nothing is mentioned, the payment is in cash. कितना cash गया? 1500 plus 600, 2100 plus 2400, 4500. Being expenses paid, third inform it paid for the purposes of stationery and postage, stationery or postage ke liye payment kar di, so postage account debit to cash, stationery account debit to cash, so the entry would be stationery account debit postage account debit to cash account, being stationery and postage paid. How much we have paid for the stationery? 150, 150 for postage and 300 for cash. आपको कुछ याद होगा हमने materiality concept किया था? Mind में revise कीजिए, revive कीजिए. What was materiality concept? It means जो चीजें effect नहीं करती profit losses में, जो चीजें decision making में effect नहीं करती, उसे आप अपने level पे change कर सकते हैं. इसका मतलब है मैं इसका एक अकाउंट ओपन कर सकता था, स्टेशनरी एंड पोस्टेज अकाउंट पॉसिबल है. इसकी जर्नल एंट्री में डाल सकता था स्टेशनरी एंड पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 300, कि स्टेशनरी और पोस्टेज का हमने एक ही अकाउंट मेंटेन किया. फोर्थ पॉइंट, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स एग्जाम में. फोर्थ पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू वैभव 6000 एंड हाफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश. वैभव को हमने गुड्स बेचे हैं 6000 के, और उसमें से कैश हाफ आया. सो व्हाट इज द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहे. वैभव अकाउंट डेबिट, क्योंकि वैभव हमारा डेटर बन रहे. टू सेल्स, क्योंकि हमारी इनकम जनरेट हुई है. सेल्स इज आर रेवेन्यू अर्नड. So cash account debit 3000, yes. What is the name of the debtor? Vaibhav account debit 3000 to sales account 6000, being goods sold. सेल्स के सामने 6000, क्योंकि 6000 के गुड्स बेचे. कैश और वैभव के सामने
3000 ईच, क्लियर। अच्छा इसको मैं ऐसे भी डाल सकता हूं, दोनों ठीक है। और आपको समझाने के लिए ताकि लॉजिक क्लियर हो आपको, हमने 6000 के गुड्स बेचे तो पहले एंट्री आ जाएगी वैभव टू सेल्स, वैभव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000। बी गुड्स सोल्ड, ये हमने 6000 के गुड्स बेच दिए, यस। फिर 3000 वैभव से ले लिए, एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू वैभव 3000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम वैभव। 6000 के गुड्स बेचे, 3000 कैश में है, 3000 वैभव से लेने हैं, वन ऑप्शन टू, दो एंट्रीज। पहले वैभव को 6000 के गुड्स बेचे, वैभव टू सेल्स, सेल्स देखो 6000 हो गया, वैभव में 6000 हो गया कि वैभव से 6000 लेने हैं। फिर वैभव ने 3000 दे दिए, कैश अकाउंट डेबिट 3000, वैभव अकाउंट क्रेडिट 3000। अब वैभव से कितने लेने हैं चेक करो, डेबिट में है 6, क्रेडिट में है 3, डेबिट में 6, क्रेडिट में 3, तो डेबिट और क्रेडिट एडजस्ट हो गया, कितना रह गया 3000, 3000 डेबिट, मतलब वैभव से 3000 अभी लेने हैं। वैभव में डेबिट हुआ 6000, क्रेडिट हुआ 3000, वैभव डेबिट हुआ 6, वैभव क्रेडिट हुआ 3, तो 3000 वैभव में डेबिट ज्यादा है, मतलब 3000 वैभव से लेने हैं। ये एंट्री बेटर है क्योंकि सेम डे ट्रांजेक्शन है। हाँ अगर ट्रांजेक्शन अलग अलग दिन होती, 8 मई एंड 20 जून, तो 8 मई 20 जून, 8 मई 9 मई, तो ट्रांजेक्शन अलग अलग रिकॉर्ड होगी। अगर एक ही दिन ट्रांजेक्शन हुई है तो चलेगा, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, बट अगर डिफरेंट डेज में है ट्रांजेक्शन नहीं चलेगा, अलग अलग एंट्रीज ही डलेंगी, क्लियर। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन 3, और माइंड में एंट्रीज डाल दीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, क्वेश्चन 3 सारा पढ़ें और माइंड में फ्रेम कीजिए, स्पीड अप। जी आपने क्वेश्चन नंबर 3 गो थ्रू कर लिया होगा, लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 3। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्रॉस 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 जर्नल डेट particulars, ledger folio, debit, credit,
मानव कमेंस टू बिजनेस, बिजनेस मानव का है, सो इन द बुक्स ऑफ मानव, मानव ने बिजनेस शुरू किया। मानव कमेंस टू बिजनेस विद कैश 160 एंड ऑल्सो ब्रॉट इन बिजनेस द फर्नीचर मशीनरी एंड स्टॉक। सो द एंट्री वुड बी फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस कमेंस्ड। कैश शुरू किया, कैश लेके आए 160 का, फर्नीचर लेके आए 6000 का, मशीनरी वी हैव ब्रॉट इन फॉर 1 lakh एंड स्टॉक इज 60 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 160 फर्नीचर इज फॉर 40, 1 lakh फॉर मशीनरी एंड 60 फॉर स्टॉक। सो हाउ मच इज द टोटल कैपिटल वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, 3,60,000। हमने जो बिजनेस शुरू किया वो 3,60,000 का था इन द इनिशियल स्टेट। सेकेंड, गुड सोल्ड टू अंकित खन्ना एंड विकास। अंकित खन्ना हमारा डेटर बन गया, विकास हमारा डेटर बन गया। सो द एंट्री वुड बी अंकित खन्नाज अकाउंट डेबिट। कोई भी नेचुरल पर्सन अकाउंट हो तो पोस्ट ऑफ ईयर्स लगेगा। अंकित खन्ना अकाउंट डेबिट 16,000, विकास अपोस्ट ऑफ ईयर्स, विकास अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 36,000 बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है। कंडीशन, उस पार्टी का नाम गिवन होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पार्टी का नाम है अंकित एंड विकास, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर पार्टी का नाम ना गिवन हो तो ट्रांजैक्शन कैश में होगी। इफ द ट्रांजैक्शन is not mentioned whether it is cash or credit, it will be cash, but if the party name is given it will be credit, as in this question it's a credit transaction. Third, received cash from Bablu the Hatti and from Monica stores. Bablu ki Hatti aur Monica store se paise aaye hain. Cash account debit, किससे पैसे हैं? बबलू दी हट्टी, टू बबलू दी हट्टी, टू और मोनिका स्टोर से पैसे आए हैं, मोनिका स्टोर बीइंग कैश रिसीव्ड। हमारे पास कैश आया है टोटल 20,000, जिसमें से 12,000 बबलू दी हट्टी ने दिया और 8,000 मोनिका स्टोर ने दिया। सो ये दोनों क्रेडिट हो रही हैं क्योंकि इन्होंने पैसे दिए, और कैश आ रहा है तो डेबिट हो रहा है, राइट? नंबर 4, पेड सैलरीज, ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, सेम डे ट्रांजैक्शन। नंबर 4, सैलरी बीइंग एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000, प्रॉपर फॉर्मेट में बनना चाहिए एग्जाम में। ऑफिस रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रेंट है? 3,200। इंश्योरेंस प्रीमियम, अच्छा अगर तो इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो ड्राइंग्स होंगी क्योंकि मैं अपनी लाइफ को इंश्योर करा रहा हूँ। ये पर्सनल नेचर का खर्चा है, गौरव अरोड़ा का खर्चा है, कमर्सविला का खर्चा नहीं है। तो इस केस में
इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, ड्रॉइंग्स नहीं आएगी। ऑफिस रेंट की जगह हाउस रेंट होता तो क्या आती? ड्रॉइंग्स। इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो क्या आती? ड्रॉइंग्स। 1600। टू, कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड, हाउ मच आर द एक्सपेंसेस पेड? 7200 प्लस 1600, 8800 आई गेस। यस, 4 mark का क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 till 12 सब में जीएसटी है। जीएसटी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी हम कर रहे हैं विदाउट जीएसटी, जिसमें जीएसटी ना हो। सो वी आर अप विद क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ क्रॉस 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 जर्नल। We have 7 points. Point number 1. I repeat, everything would be in format like this. See, this is called imaginary format. बाद में lines लगा ली, paper में time बचा तो। The owner charge interest 5% on his capital, 68,000. Interest on capital. The journal entry is interest on capital account debit to capital account being interest on capital provided. Kitna? 68,000 का 5%, 68,000 की कैपिटल थी, 5% इंटरेस्ट चार्ज किया, 68,000 की कैपिटल थी, 5% इंटरेस्ट चार्ज किया, दैट कम्स आउट टू बी 3400। ये अगर आप नहीं भी शो करेंगे तो चलेगा, एंड आई विल सजेस्ट आप शो ना करें। ये जो ब्रैकेट के अंदर आप परसेंटेज कैलकुलेशन शो करते हैं, आई विल सजेस्ट यू नॉट टू शो इट, That would be better. Capital credit क्यों हो रही है? क्योंकि ये proprietor की income है. This is called opportunity cost. अगर मैं पैसे business में जमा ना कराता तो मैं bank में FD करा देता। अगर ये पैसे मैं bank में जमा कराता तो FD कराता तो मुझे 5% का ब्याज मिलता, interest मिलता। ये वो चीज़ है। तो firm के लिए खर्चा debit, proprietor के लिए income credit. Number 2, the owner took home goods amounting 600 and cash 1000. Owner अपने घर पे goods ले गया, owner अपने घर पे cash ले गया. This is drawings. So the entry would be drawings account debit to purchases account to cash account being goods and cash withdrawn for private मतलब personal use। कितने के goods withdraw किए? 600। cash withdraw किया 1000। total drawings हो गई 1600 की। तो टोटल 1600 विड्रॉ किए, 600 के गुड्स, 1000 का कैश। थर्ड, टुक अ लोन ऑफ 38,000 फ्रॉम HDFC बैंक, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। 38,000 का लोन लिया और चेक से पैसे आ गए, तो लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। लोन हमारे लिए लायबिलिटी है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और पैसे आ रहे हैं तो करेंगे डेबिट।
अगर कैश में आ रहे हैं तो कैश डेबिट होगा, बैंक में आ रहे हैं तो चेक से आ रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा. सो द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% लोन अकाउंट बीइंग लोन फ्रॉम HDFC बैंक टेकन. कितने का लोन लिया? 38,000 का. राइट, मूविंग ऑन. फोर्थ, पेड इंटरेस्ट टू HDFC बाय चेक. इंटरेस्ट पे कर दिया, वेजेस पे किए तो एंट्री वेजेस टू कैश, सैलरी पे की तो एंट्री सैलरी टू कैश, चेक से पेमेंट की तो वेजेस टू बैंक, सैलरी पे की तो सैलरी टू बैंक. इस क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट पे किया तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट. जैसे ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी खर्चा था, ये भी खर्चा है. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट की है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड. कितना? 38,000 का लोन था, 12% इंटरेस्ट था. 38,000 का 12%, देखिए 38,000 का लोन था, 38,000 के लोन पर 12% का ब्याज. कितने मंथ्स के लिए? इस क्वेश्चन में डेट्स मेंशन नहीं है, अगर डेट मेंशन होती तो उतने मंथ्स के लिए पेमेंट कर देते. लाइक ये है 1 सितंबर, ये है 30 सितंबर, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट, 2 मंथ का इंटरेस्ट, 3 मंथ का इंटरेस्ट. जिस दिन लोन लिया और जिस दिन इंटरेस्ट दिया, आई रिपीट, जिस दिन लोन लिया और जिस दिन इंटरेस्ट दिया, उसके बीच वाले टाइम में जितना इंटरेस्ट आएगा. इस क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट नहीं गिवन, दैट मींस डेट नहीं गिवन, तो मानेंगे पूरे साल का लोन. तो ये अमाउंट आ जाएगी 4560. यस, 4560. सो 38,000 के इन लोन पर 4560 मैंने इंटरेस्ट दिया पूरे साल के लिए. डेट नहीं गिवन, पूरा साल लिया. नीचे नोट देंगे, फुट नोट, कि हमने एज्यूम किए पूरे साल के लिए. नंबर 5, पेड प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स फ्रॉम बिजनेस. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए मतलब घर के लिए खर्चा, अपनी लाइफ का खर्चा. इनकम टैक्स मतलब बिजनेस का खर्चा नहीं, प्रोप्राइटर की इनकम का खर्चा, क्योंकि बिजनेस का खर्चा तो GST होता है. तो इन दैट केस इट इज ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 8,000, सॉरी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स पेड, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स पेड. सिक्स्थ, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स. व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, तो ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सो द एंट्री वुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड. ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही है क्योंकि उस
प्रोप्राइटर पैसे देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट हो रही है क्योंकि वो उसकी इनकम है, फर्म की इनकम है। ये क्यों चार्ज की जाती है? ताकि पार्टनर्स कम ड्रॉइंग करें, नहीं तो पार्टनर ज़्यादा ड्रॉइंग करेंगे बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। सो ये IOD इसलिए होती है टू डिसकरेज द प्रोप्राइटर टू विड्रॉ मोर, एंड IUC इज टू इनकरेज द प्रोप्राइटर टू पुट मोर कैपिटल। 925 सेवेंथ, विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज गुड्स वर्थ 8250 एंड पेड 2500 फॉर द मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ मैगजीन फॉर हाउस होल्ड यूज। 8250 के गुड्स हम घर ले गए, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस 8250 के गुड्स हम घर ले गए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और 2500 की हमने सब्सक्रिप्शन पे कर दी मैगजीन की। नाउ अगर मैगजीन बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो एंट्री बन जाएगी मैगजीन टू कैश, पोस्टेज टू कैश, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू कैश। बट अगर मैगजीन घर के लिए यूज हो रही है तो ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैगजीन हाउस होल्ड यूज के लिए, तो इट इज ड्रॉइंग्स, अदरवाइज इट वुड बी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस। फॉर नाउ इट इज विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज गुड्स 8250, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितने के गुड्स विड्रॉ किए? 8250 और कैश पे किया 2500। सो टोटल ड्रॉइंग्स हुई है 10750। यस, नीचे एक नोट दे देंगे, फुट नोट, इंटरेस्ट ऑन लोन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द एंटायर ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन हैज बीन प्रोवाइडेड for the entire year as the duration is not given in the question, as the duration is not given in the question। Done everyone? Clear? This is all about today's class। हमने lecture 2.3A means 2 stands for journal, 3 stands for practical questions, paper में जैसे questions आते हैं practical, and A stands for the first lecture। We have divided into 3 or 4 parts। फिर 2.4 lecture रहेगा practical questions with GST। पहले हम कर रहे हैं विदाउट GST एंड द नेक्स्ट वुड बी विद GST। अभी कुछ टोटल 27 क्वेश्चंस हैं, अराउंड 5-6 क्वेश्चंस और हम करेंगे विदाउट GST। राइट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते।